standard problem set 2 sub number 5th correct now what's given the problem problem mein kya diya hua hai a b line a b parallel to line c d and parallel to line what if these three lines are parallel given mein diya hai correct now और x z का जो रेशियो है 3:7 दिया है करेक्ट हम लोग को फाइंड करने का फाइंड द वैल्यू ऑफ x फाइंड करने का हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड दिस वन सी नाउ लाइन सॉल्यूशन लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन ई एफ ए बी एंड ई एफ दोनों पैरेलल है और आई थिंक सो ये क्यू एफ है और क्यू एफ है पी है सो उसको पी जो लाइन सी और लाइन क्यू पी इज ए वॉट ट्रांसवर्सल क्यू पी क्या है क्यू पी ट्रांसवर्सल है सपोज अगर ये लाइन छोड़ दो तो फॉरगेट दिस लाइन सो दिस एंगल दिस साइन कौन सा एंगल्स हो गए एंगल एक्स कॉन्ग्रेंट टू एंगल वॉट जेड नाउ अगर ये लाइन नहीं है तो दो लाइन मिलेगा हमको तो ये और ये एंगल कौन सा एंगल्स हो गए ये एक्स है और जेड है कौन सा एंगल्स हो गए ये हो गया ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए कौन सा एंगल्स हो गए ये दिस एंगल्स इज कॉल्ड वॉट ऑल्टरनेट एंगल्स व्हेन दे आर इक्वल व्हेन दे आर कॉन्ग्रुएंट दे आर इक्वल अगर ये कॉन्ग्रुएंट है दोनों इक्वल है अब रेशियो क्या दिया हम लोग को हमने सी एंगल वाई एंगल जेड का रेशियो दिया है 3:7 है नाउ ये मिला आपने को 2 एंगल वाई रेस टू नाउ एंगल एक्स और एंगल जेड दोनों इक्वल है इधर जेड है इधर भी जेड है बस जेड किसको इक्वल है एक्स को इक्वल है तो इन प्लेस ऑफ जेड व्हाट टू पुट क्या पुट करने का इधर एक्स पुट करने का करेक्ट बिकॉज जेड दोनों इक्वल है और जेड एक्स को इक्वल है इन प्लेस ऑफ एक्स इन प्लेस ऑफ जेड क्या पुट करने का एक्स पुट करने का इज इक्वल टू 3:7 समझे ना ये कहाँ से मिला हम लोग को फ्रॉम 1:7 फ्रॉम 1:2 वी गॉट व्हाट वाई और एक्स की वैल्यू क्या मिला 3:2 ना सी ना अगेन लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी ए बी सी डी पैरेलल है अगेन पी क्यू इज ए व्हाट ट्रांसवर्सल करेक्ट सो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू व्हाट 180 ये दोनों एंगल 180 हो गया वाई ये दोनों 180 क्यों है बिकॉज ये कौन सा एंगल्स है ये एंगल्स है इंटीरियर एंगल्स है कौन सा एंगल्स है इंटीरियर एंगल्स करेक्ट लेकिन एक्स और वाई का रेशियो दिया हम लोग को ना सो लेट एंगल एक्स एंड एंगल वाई बी 3 and 7 तो यू कैन गिव एनी ये कोई भी अल्फाबेट यू कैन गिव यू कैन गिव एनी अल्फाबेट या थ्रो 3 पी ले लो क्यू ले लो एनी अल्फाबेट यू कैन गिव कोई भी अल्फाबेट यू सकते हो तो इधर हम लोग क्या लिया है तो एक्स और वाई का रेशियो क्या है 3 and 7 है एक्स और वाई का रेशियो क्या है 3:7 है सो लेट एंगल एक्स एंगल वाई बी 3 and 7 therefore x y की वैल्यू क्या x की वैल्यू क्या इधर अच्छा y की वैल्यू क्या इधर 7 प्लस सी इधर x है x की वैल्यू क्या इधर 3 है राइट 3 प्लस y है y का रेशियो क्या इधर 7 इज इक्वल टू व्हाट 180 इज इक्वल टू 180 करेक्ट ना ऐड करो 10 is equal to 180 therefore m is equal to 180 divided by 10 cut कर लो m की value मिला हमको 18 we got m की value को मिला 18 अगर m की value 18 मिला now we have to find what angle x find करने का इधर हमको तो angle x therefore angle x क्या है angle x कितना है 3m correct 3m है is equal to 3 m की value क्या इधर 18 put 18 therefore angle x 18 3 is 54
तो एंगल x की वैल्यू क्या मिली हम लोग को 54 डिग्री करेक्ट। तो ये सम बार बार करो, ये सम आईएमपी सम है, ये सम सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट सम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 101% श्योर एग्जाम्स में डेफिनेटली सम आने वाला है करेक्ट है ना। सी क्वेश्चन नंबर 7 ना, गिवन में क्या दिया है, ए बी पैरेलल टू सी एफ, यानी पूरा ये लाइन इसको पैरेलल है, ये हो गया, फिर बी सी और ई डी को पैरेलल है, अगर ये लाइन इसको पैरेलल है, ये लाइन इसको पैरेलल है, तो प्रूफ करने का ये एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एफ डी ई, ये दोनों एंगल शो करने का है कॉन्ग्रुएंट है, वेरी सिंपल एंड इजी सब, ये हमको प्रूफ करने का। तो प्रूफ व्हाट दिस टू एंगल्स आर व्हाट इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट, सी पहला लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी एफ करेक्ट, ये दोनों पैरेलल है ना, और लाइन बी सी इज ए व्हाट ट्रांसवर्सल, बी सी इज ए ट्रांसवर्सल ना, सी ये एंगल है और ये एंगल, ये एंगल और ये कौन सा एंगल्स हो गया, तो एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी डी वाई करेक्ट। सो ये एंगल ये दोनों पैरेलल है, ये और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, वाई विच एंगल ये एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, वाई दिस टू एंगल्स आर कॉल्ड व्हाट, कौन सा एंगल्स है, ऑल्टरनेट एंगल्स करेक्ट, ये मिला हम लोग को वन, दोनों का एंगल्स कौन से हो गए ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। नाउ अगेन अब ये दो लाइन पैरेलल है, लाइन बी सी पैरेलल टू व्हाट लाइन ई डी, बी सी ई डी को पैरेलल है, बी सी एंड ई डी पैरेलल है, और यहाँ पर लाइन सी एफ इज ए ट्रांसवर्सल है ना, अगर सी एफ ट्रांसवर्सल है तो एंगल ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल करेक्ट, सो एंगल बी सी डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ डी ई, एफ डी ई वाई क्यों, बिकॉज ये दोनों अगर दोनों से अगर दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, सो ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल हो गया, दिस एंगल इज कॉल्ड व्हाट योर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कौन सा एंगल हो गया ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये मिला टू। नाउ यहां पर सी ये दोनों है सेम एंगल्स है, ए बी बी सी को कॉन्ग्रुएंट, बी सी डी कॉन्ग्रुएंट है, बी सी डी एफ डी कॉन्ग्रुएंट, तो ये इसको कॉन्ग्रुएंट है, ये इसको कॉन्ग्रुएंट है, दिस विल कॉन्ग्रुएंट टू कॉन्ग्रुएंट व्हाट दिस एंगल, देयरफॉर एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ डी ई वाई फ्रॉम फ्रॉम वन एंड टू, दोनों में दिस टू एंगल्स आर नाउ व्हाट कॉन्ग्रुएंट, बिकॉज ये दोनों सेम है, तो दिस एंड दिस विल बी कॉन्ग्रुएंट, अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है so both the angles are called what equal, दोनों angles क्या ये equal हो गए, ये मिला हम लोग को proof, तो ये हम लोग को proof हो गया अपना sum correct, तो ये तो simple sum था correct। now we gonna put what the sum number 8 one, see ना already हमने fourth sum put किया है previous video में, लेकिन वो sum और ये sum दो method है, जो easy लगा करो मुझे ऐसे, I think so जो whatever I am doing now that method is easier than the previous one correct, दोनों सेम है खाली थोड़ा सा ट्विस्ट है समझे ना करेक्ट। सी नाउ प्रूफ करने का दिस टू लाइन्स आर पैरेलल, कैसा प्रूफ करेंगे, सी नाउ सॉल्यूशन ये प्रूफ ले लो, चलो फाइन प्रूफ, सी नाउ इधर इसको ए ले लो उधर करेक्ट, इधर टेक व्हाट ए ले लो करेक्ट, एंगल एक्स इज इक्वल टू 130 करेक्ट, एंगल एक्स इज इक्वल टू व्हाट 135 ऑपोजिट एंगल, ये कौन सा एंगल से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये मिला हमको वन। नाउ सेम वे
angle Y is equal to angle A. Y again vertically opposite angle. Now यहाँ पर angle Y और angle A both are 50, क्योंकि ये 50 है तो angle A 50 है तो Y भी क्या रहेगा 50 होगा, करेक्ट. सो एंगल वाई एंड ए बोथ आर 50, देयरफॉर एंगल ए की वैल्यू क्या गई, वी गॉट 50, ये मिला हम लोग को 2. नाउ एंगल एक्स प्लस एंगल ए इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या इधर 130, ए की वैल्यू क्या इधर 50 इज इक्वल टू 180. ये दोनों का टोटल अगर 180 हो गया, देयरफॉर बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट लाइन इन एल इज पैरेलल टू लाइन व्हाट एम, करेक्ट. कहीं इधर हमने चेंज किया था प्रीवियस हमसे, इधर मैंने ए पुट कर दिया, तो वाई और ए दोनों क्यों इक्वल है, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. अगर ए 50 है तो वाई की वैल्यू भी क्या गई 50 आ गई, करेक्ट. नाउ एक्स प्लस ए, ये दोनों एक्स प्लस ए दोनों पैरेलल्स के अंदर है, तो x प्लस ए की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 130 इधर आ गया, a की वैल्यू 50, दोनों को प्लस करो 180. अगर इन दोनों का टोटल 180 हो गया, तो दिस बिकम्स व्हाट योर इंटीरियर एंगल. सो बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट दीज टू लाइंस आर पैरेलल, ये हमको प्रूफ करने का था, करें. तो जो इजी लगेगा यू कैन डू दैट वन. अगर प्रीवियस सम इजी लगा यू द प्रीवियस सम, अगर इजी लगा तो यू कैन डू सॉल्व दिस वन आल्सो, करेक्ट. सी नाउ लाइन ए बी एंड सी डी बोथ आर व्हाट पैरेलल है, और ए क्यू आर का एक्स क्यू इज अ बाइसेक्टर, दिस टू आर एंगल इक्वल, एंगल क्यू आर सी का आर एक्स इज अ बाइसेक्टर, दिस टू एंगल्स आर इक्वल. सिमिलरली ये एंगल का क्यू आई बाइसेक्टर है, ये दो एंगल इक्वल है. सिमिलरली ये एंगल का आर वाई बाइसेक्टर है, तो बोथ एंगल्स आर इक्वल. We have to prove that Q, X, R, Y, ये चारों जो bisectors हैं, these four bisectors when intersect each other, prove करने का, ये जो quadrilateral है, it is a what? Rectangle prove करने का है. अगर rectangle prove करने का है, तो याद रखने का, each and every angle prove करने का 90, ये 90, ये 90, ये दोनों 90 और ये 90. अगर चारों angle 90 आ गया, that means this quadrilateral is become will become what a rectangle. हम लोग कैसा प्रूफ करेंगे, सी नाउ लाइन नॉट लाइन सॉरी सो नाउ रे एक्स क्यू इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए क्यू आर, ए क्यू आर का ये बाइसेक्टर है, देयरफॉर एंगल, सो एंगल ए क्यू एक्स इज इक्वल टू एंगल एक्स क्यू आर इज इक्वल टू व्हाट ए ले लो, करेक्ट. सो ये दोनों एंगल के हमने को ए लिया, करेक्ट. सिमिलरली रे आर एक्स आर इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू आर सी, क्यू आर सी का ये बाइसेक्टर है, देयरफॉर एंगल क्यू आर एक्स. सिमिलरली एक्स आर बाइसेक्टर है ये एंगल का क्यू आर सी का, सो दिस एंड दिस बोथ एंगल क्यू आर एक्स आर एक्स आर सी इज इक्वल टू बी. सिमिलरली वी कैन शो दैट सिमिलरली एंगल क्यू बी क्यू वाई इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई क्यू आर इज इक्वल टू व्हाट डी, ये दोनों डी एंगल, करेक्ट. फिर एंगल ई एंगल कौन सा, क्यू क्यू सी वाई इज इक्वल टू एंगल वाई आर डी, y r d is equal to what मिला हम लोग को c, करेक्ट. ये हो गया हम लोग को. नाउ अब स्टार्ट करो लेसन. सम लाइन ए बी पैरेलल टू
लाइन सी डी, ठीक, ए बी और सी डी पैरेलल है, पी क्यू ट्रांसवर्सल है, पी क्यू इज ए व्हाट ट्रांसवर्सल, सो एंगल, कौन सा एंगल है, ए क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर सी, यानी ये पूरा एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इसका टोटल 180 है, वाई इंटीरियर एंगल से, देखिए ए क्यू आर क्या है, ए प्लस ए, ए प्लस ए, ये कौन सा एंगल है, बी प्लस बी इज इक्वल टू 180, देयरफॉर 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 180, सो 2 कॉमन निकालो, a प्लस बी इज इक्वल टू 180, देयरफॉर इधर इधर ले लेंगे, देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 इज इक्वल टू व्हाट 90, सो यानी a प्लस बी की वैल्यू क्या गई, 90 आ गया हम लोगों को, ठीक ना, सेम वे, सो एंगल ये 90 मिला, सो एंगल, सो इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल क्यू एक्स आर, कौन सा एंगल है, क्यू एक्स आर, ये ट्राइंगल सी, अगर मैं साइड भी बनाऊँ ट्राइंगल तो ये क्या हो गया क्यू एक्स आर, सो ये ए है और ये बी है, सो रहेगा एंगल क्यू, शॉर्टकट में एंगल एक्स एंगल आर इज इक्वल टू व्हाट 180 बाय सम ऑफ मेजर ऑफ ट्राइंगल, करेक्ट, क्यू ए है, एंगल एक्स मालूम नहीं, ये बी है, इज इक्वल टू व्हाट 180, करेक्ट, लेकिन ए प्लस बी की वैल्यू क्या इधर 90 है, सी ए प्लस बी की वैल्यू 90 है, इन प्लेस ऑफ ए प्लस बी करेंगे हमको 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 90, देयरफॉर एंगल एक्स इज इक्वल टू 90, सो एंगल एक्स क्या मिल गया हम लोग को 90, सिमिलरली शॉर्टकट कर दो सम को, सिमिलरली वी कैन show that angle y is also what 90, ये भी क्या रहेगा 90, ये भी 90 मिला, ये भी 90 मिला, करेक्ट ना, तो ये भी 90 हो गया, तो दो एंगल्स में 90, ये भी 90 मिला, ये भी 90 मिला, अगर हमको प्रूफ करने का, ये 90 प्रूफ करने, करेक्ट ना, एंगल a a q r प्लस एंगल b q r BQR is equal to what? 180. Why? Angles in a linear pair. ये कौन सा है? ये पूरा angles क्या है? ये पूरा angles क्या है? Linear pair है. So ये angle क्या मिला हम लोगों को? A plus A. ये मिला D plus D. Is equal to 180. So 2A plus 2D 180. Two common निकालो. a plus d is equal to 180, a plus d 180 upon 2, therefore a plus d is equal to what, कितना आंसर आया 90, लेकिन a plus d, a plus d कौन सा एंगल है, सी एंगल x q y, x q y is equal to a plus d, x q y में दो एंगल आ गया, लेकिन a plus d की वैल्यू इधर 90, सो एक्स क्यू वाई की वैल्यू कितनी आ गई 90, ये मिल गया हम लोग को 90, करेक्ट, सिमिलरली वी कैन शो दैट एंगल, कौन सा एंगल है, एक्स आर वाई, एक्स आर वाई इज इक्वल टू बी प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट 90, तो ये एंगल 90 मिला हम लोग को, चारों एंगल 90 मिला, देयरफॉर इन क्वाड्रिलेटरल क्यू एक्स आर वाई में एंगल क्यू एक्स आर इज इक्वल टू एंगल एक्स आर वाई इज इक्वल टू एंगल आर वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल वाई
qx is equal to what 90, मतलब ये कौन सा हो गया, सी ये क्वाड्रिलेटरल है तो स्टार्ट करना यहां से qx r ये 90 है, x r y ये 90 है, r c q ये 90 है, y q x ये 90 है, ये 90 ये 90 ये 90 ये 90 चारों एंगल क्या ये 90, चारों एंगल 90 है, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल a सॉरी क्वाड्रिलेटरल q x r y इज ए व्हाट इज ए रेक्टेंगल, करेक्ट है ना, ये सम बहुत हार्ड है तो प्लीज इसको 3-4-5 टाइम्स सम करने का, बिकॉज दिस सम एग्जाम्स में आने का चांसेस है, दिस सम आल्सो कॉल व्हाट इंपॉर्टेंट सम्स, करेक्ट। सो हियर हम लोग का ज्योमेट्री का 2 लेसंस कंप्लीट होगा, टुमारो वी गोइंग टू स्टार्ट व्हाट, हम लोग स्टार्ट करेंगे एलजेब्रा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज कॉल्ड व्हाट सेट्स, करेक्ट। Till then, goodbye.